नोट करो, भाई अपन ने स्टार्ट किया है रिप्रोडक्शन यूनिट, जो फर्स्ट यूनिट है 12th क्लास बायोलॉजी की, उसका थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अपन सबसे पहले ह्यूमंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भाई रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट से ह्यूमंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ह्यूमंस कैसी स्पेसिफिकेशन रखते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन यूनिसेक्सुअल एनिमल्स है, क्लियर है, यानी सिंगल सेक्स होता है, एक बॉडी के अंदर एक ही सेक्स यानी एक ही टाइप का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाएगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, क्लियर है। सेकेंड, हमारे अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है, क्लियर है, ये हमारी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है कि ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और कोई मेथड नहीं है ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन का, क्लियर है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूनिसेक्सुअल हो गए हैं, इस वजह से बाईपेरेंटल होना पड़ता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाईपेरेंटल होती है ह्यूमंस में, रीजन की एक बॉडी में एक ही सेक्स प्रेजेंट है। अब रिप्रोडक्शन सेक्सुअल करनी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो सारे पॉइंट पहले चैप्टर वाले उठा करके ले आओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पढ़े थे कि मेल और फीमेल गैमेट चाहिएंगे, मेल और फीमेल गैमेट मेल और फीमेल बॉडी में बनते हैं, फिर जाकर के दोनों फ्यूज होते हैं वगैरह वगैरह, सारी प्रोसेस होती है। तो आफ्टर ऑल यहां दो गैमेट दो अलग अलग बॉडी में फॉर्मेशन हो रही है, अब दो अलग अलग बॉडी में फॉर्मेशन हो रही है तो दो पेरेंट चाहिएंगे, दो पेरेंट रिक्वायर्ड होते हैं और दोनों अपोजिट सेक्स के होने चाहिए, एक मेल और एक फीमेल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन बात कर लेते हैं भाई रिप्रोडक्शन के लिए ह्यूमंस में कौन कौन से स्टेप परफॉर्म किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप है तो तीन मेन इवेंट्स में डिफरेंशिएट किया जा सकता है पूरी की पूरी रिप्रोडक्शन प्रोसेस को, कौन कौन से, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, अब इन इवेंट्स में भी फर्दर जो स्टेप्स हैं उन्हें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है कि भाई प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का फर्स्ट स्टेप हम लोग कंसिडर करते हैं, फर्टिलाइजेशन करनी है, गैमेट्स का फ्यूजन होना है, गैमेट्स होने तो चाहिए इसके लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गैमेट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस होगी। अब गैमेटोजेनेसिस ह्यूमंस में दो तरह की होती है क्योंकि यूनिसेक्सुअल एनिमल्स है, समझ रहे हो, यूनिसेक्सुअल यानी दो अपोजिट सेक्स है, दोनों के अंदर दो अपोजिट सेक्स के गैमेट्स बनेंगे, मेल के अंदर मेल गैमेट बनेगा, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट बनेगा। अगर मेल गैमेट बन रहा है, मेल गैमेट को स्पर्म कहा जाता है, प्रोसेस हो जाएगी स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल गैमेट को एग ओवा ओवम कहा जाता है, प्रोसेस हो जाएगी ओजेनेसिस की, क्लियर है, फॉर्मेशन होगी। अब फ्यूजन कैसे होगा, मेल गैमेट मेल बॉडी के अंदर बना, फीमेल गैमेट फीमेल बॉडी के अंदर बना, दोनों का फ्यूजन किस तरह से करवा सकते हैं, तो दोनों को नजदीक लाना पड़ेगा, अब दूरियां तो मिटानी पड़ती हैं भाई मिलने के लिए, समझ रहे हो, तो वो दूरी कैसे मिटाई जाएगी, वो काम करेगा मेल, क्लियर है, मेल क्या करेगा, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर मेल गैमेट यानी स्पर्म का ट्रांसफर कर देगा, इस प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहा जाता है, यानी फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म का डिपोजिशन इंसेमिनेशन होता है। ठीक है, अब निपटा लो,
नेक्स्ट थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, तो देखो इंसेमिनेशन के बाद क्या होगा, इंसेमिनेशन के बाद मोटाइल मेल गैमेट, अभी तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिपॉजिट किए हैं ना, वहां से मोटाइल मेल गैमेट चलता चलता वो फ्लैजेल है ना उसके पास, उसके हेल्प से चलता चलता फीमेल गैमेट तक पहुंच जाएगा, ऐसे ढूंढ लेगा छोड़ेगा नहीं, ठीक है। रेस लगती है पूरी की पूरी, तो जिसमें ताकत होती है वो जीत जाते हैं, हम लोग जीत करके ही आए हैं, ठीक है। कई लाखों करोड़ों से वो रेस जीत करके हम आए हैं, तो वो स्पर्म आफ्टर ऑल फीमेल गैमेट तक पहुंच जाता है, एग ओवा ओवम तक पहुंच जाता है, और वहां होती है फ्यूजन, जिसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। चलो तो थर्ड स्टेप है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहो या फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, क्या कह रही है बताओ बताओ क्या कह रहे हैं? नहीं ऐसे 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 चल के ही जाता है वो, ठीक है। नहीं 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 वो तो दूरियां मैंने पहले ही मिटा दी ना, नजदीक ले आया था मैं, अरे मतलब क्या, जैसे अपन चार्जर कनेक्ट करते हैं ना प्लग में, इस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर इंसेमिनेशन होती है, सब तुम लोग मतलब थोड़ी बहुत इमेजिनेशन रखो, इमेजिनेशन जरूरी है लाइफ में, बहुत जरूरी है, इमेजिनेशन की बिना कुछ नहीं है, इनकी तो जिंदगी इमेजिनेशन में कट रही है। तो नेक्स्ट स्टेप है कि फ्यूजन होगा गैमेट्स का, क्लियर है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। हाँ क्या पूछा? क्या हुआ? साजर और प्लग का क्या कनेक्शन है? तुम्हारी जिंदगी इसी चैप्टर में डाउटफुल है, ठीक है, और चैप्टर में तो डाउट हो ना, वो इस चैप्टर में डाउट है तुम्हारे। चार्जर प्लग का कनेक्शन, अबे 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 रुको रुको रुको, चार्जर प्लग का कनेक्शन वही है जैसे तुम लोग समझो प्लग स्टिग्मा है, ठीक है, और चार्जर पोलन ट्यूब है, वो पोलन ट्यूब ऐसा स्टिग्मा के अंदर से टर्मिनेट होती है, फिर स्टाइल के अंदर से गुजरती है, वही सेम सिस्टम यहाँ होता है, ठीक है। अब बाकी डायग्राम बनाएंगे तो समझ जाओगे। चलो फ्यूजन होता है गैमेट्स का, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। नेक्स्ट, अब इस फ्यूजन का रिजल्टेंट क्या बनता है? एंड फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट, क्लियर है, डिप्लॉयड सेल जाइगोट का फॉर्मेशन, समझ गए? तो ये थर्ड स्टेप है फर्टिलाइजेशन, समझ गए। अब नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? ये फर्टिलाइजेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के किसी कोने में कहीं छुप छुपा के हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, ये जाइगोट जो फॉर्मेशन हुई है वहां, ये जाइगोट मूवमेंट करता है, और जो साइट फर्टिलाइजेशन की है उससे आगे चल करके जहां उसे इम्प्लांट होना है उस साइट तक पहुंचता है, फिर उसकी होती है इम्प्लांटेशन, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के ही एक हिस्से में इम्प्लांटेशन होती है इसकी, ठीक है, यूट्रीन वॉल के लेयर्स में इम्प्लांटेशन होती है उसकी, क्लियर। तो हम लोग कहेंगे इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन ऑफ
जायगोट। बट एक चीज ध्यान देना, जायगोट इम्प्लांटेशन से पहले सिंगल सेल नहीं होता, जायगोट फॉर्मेशन हुई थी तब वो सिंगल सेल था। अब उस फॉर्मेशन वाली साइड से इम्प्लांटेशन वाली साइड तक पहुंचा तो वो कई डिवीजन कर चुका है अभी, ठीक है। अब वो ब्लास्टुला स्टेज में आ चुका है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ब्लास्टुलेशन। क्लियर, इस प्रोसेस को कहते हैं ब्लास्टुलेशन। तो ये कहां हुआ है, जायगोट फॉर्मेशन के साथ ही हम लोग कहेंगे एंड ब्लास्टुलेशन, एंड ब्लास्टुलेशन। क्लियर समझ गए, या फिर लिखा थोड़ी है तुम लोगों ने, एक बीच में स्टेप और कंसिडर, ठीक है। अबे ये गलत बात है, बनता हूं देखो बीच में उसको अलग स्टेप बना लो तुम लोग, फिर कंफ्यूज नहीं होगे। क्या हुआ, जायगोट फॉर्मेशन हुआ, फिर जायगोट फॉर्मेशन होते ही जायगोट में डिवीजन स्टार्ट हो गया, ठीक है, डिवीजन स्टार्ट हो गया फॉर्मेशन होते ही, जिसे हम लोग कहते हैं क्लीवेज। अब वो वाले नहीं है जो बर्बाद, ठीक है, क्लीवेज मतलब डिफरेंशिएशन, जायगोट में डिवीजन, ठीक है। और इससे बनता है ब्लास्टुला, तो इसको बोलते हैं ब्लास्टुलेशन। समझ गए, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप। अब जायगोट की इम्प्लांटेशन होगी, क्लियर है, और बाद जायगोट इम्प्लांट हो रहा है, इम्प्लांटेशन ऑफ जायगोट। अब जायगोट की इम्प्लांटेशन, ठीक है, जायगोट इम्प्लांट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो देखो नेक्स्ट सिक्स्थ स्टेप में इम्प्लांटेशन के बाद जायगोट फर्दर और डिवीजन करेगा, ठीक है। अब डिवीजन रुका थोड़ी है, ब्लास्टुलेशन के बाद भी तो डिवीजन कंटिन्यू चलता रहता है, और इसी स्टेज में उसकी इम्प्लांटेशन हो जाती है। अब इम्प्लांटेशन के बाद भी वो डिवीजन करता रहेगा और एक स्टेज बनेगी जिसे हम लोग गैस्टुला बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं गैस्टुलेशन। क्लियर है, तो देखो गैस्टुलेशन होती है, क्लियर है, गैस्टुला फॉर्मेशन होता है, और गैस्टुला फॉर्मेशन का ही एक स्पेसिफिक पॉइंट है कि इस स्टेज में जायगोट इतने डिवीजन कर चुका होगा कि इतने सेल वहां बन चुके होंगे जायगोट से माइटोटिकली डिवाइड होकर के, कि वो सेल तीन लेयर्स की फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे, यानी जर्मिनल लेयर्स हमें नजर आने लगेंगी गैस्ट्रुला स्टेज में। क्लियर है, जर्म लेयर्स, हम लोग डिप्लोब्लास्टिक हैं इसलिए तीन लेयर नजर आएंगी, समझ रहे हो। तो यहां गैस्ट्रुलेशन में जर्म लेयर फॉर्मेशन होगी, जर्म लेयर फॉर्मेशन। अब जर्म लेयर फॉर्मेशन में तीन जर्म लेयर बनती है क्योंकि हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। तीन जर्म लेयर कौन कौन सी, एक तो एक्टोडर्म, एक मेसोडर्म और एक एंडोडर्म। अब यहां से सब चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा सिनेरियो क्या होगा कि भाई ये जर्म लेयर्स है ना, अब पूरी डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन जर्म लेयर्स पे आ जाती है, ठीक है। अब जायगोट का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं रहा, अब वो एम्ब्रियो जेनेसिस की स्टेज में है, ठीक है। ये ब्लास्टुलेशन और गैस्टुलेशन एम्ब्रियो जेनेसिस की स्टेज है, पूरा का पूरा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। तो अब ये तीन लेयर बन गई ना, अब इन तीन लेयर के सेल्स ही अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स को डेवलप करेंगे, ठीक है। कोई स्ट्रक्चर एक्टोडर्मल ओरिजिन का होगा, कोई इंडोडर्मल ओरिजिन का होगा, कोई मेसोडर्मल ओरिजिन का होगा, कोई एक्टोमीजो होगा, कोई इंडोमीजो होगा, इस तरह से स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे फिर यहाँ, ठीक है। यानी अब यहाँ पर्टिकुलर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन होने लगेगी, क्लियर है। इस प्रोसेस को अपन कहते हैं कि भाई गैस्टुलेशन के बाद यहाँ स्टार्ट हो जाएगा ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस, क्लियर है, यानी ऑर्गन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, ऑर्गन फॉर्मेशन। और किससे हुई, इन जर्म लेयर से, इसलिए हम लोग हर ऑर्गन का एक ओरिजिन बताते हैं कि ओरिजिन ओरिजिन के अकॉर्डिंग ये एक्टोडर्म ओरिजिन का है, ठीक है, समझ लो। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप है एट,
एट स्टेप में क्या होगा, अब ऑर्गन बन चुके हैं, डेवलप हो चुका है एम्ब्रियो को, अब हम लोग फिटस कह सकते हैं, इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, ठीक है, यानी गेस्टेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, समझ गए। और अब क्या होगा, एट लास्ट गेस्टेशन की एंडिंग में डेवलप्ड फीटस, डेवलप्ड डॉटर इंडिविजुअल को, जो एक लिमिट तक ग्रोथ वहां कर चुका होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर या फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल पेरेंट की बॉडी के अंदर, उसे अब बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन, पार्चुरेशन, क्लियर। पार्चुरेशन क्या होता है, एक्सपेलिंग ऑफ डेवलप्ड फीटस, क्लियर, डेवलप्ड फीटस को एक्सपेल कर दिया जाएगा, कहां से, फ्रॉम फीमेल पेरेंट बॉडी, क्लियर, फीमेल पेरेंट की बॉडी से डेवलप्ड फीटस को एक्सपेल कर दिया जाएगा, क्लियर है, बाहर निकाल दिया जाएगा, ये पार्चुरेशन होती है, समझ रहे हो। चलो अब पार्चुरेशन होगी, यानी बर्थ होगी आफ्टर ऑल बच्चे की, डॉटर इंडिविजुअल बर्थ कर चुका है, समझ गए। और हम लोग पूरा गेस्टेशन पीरियड फीमेल फीमेल बॉडी के, फीमेल पेरेंट की बॉडी के अंदर कंप्लीट करके फिर पार्चुरेशन करवाते हैं, तो इस वजह से ह्यूमंस कैसे एनिमल्स हैं, विविपैरस एनिमल्स, क्लियर है, विविपैरिटी नजर आती है, समझ रहे हो। हम लोग डॉटर इंडिविजुअल को पैदा करते हैं, समझ रहे हो, अंडे नहीं देते हम, क्लियर है। अब यहां एक जनरल सा पॉइंट कंसिडर कर लिया जाता है कि गेस्टेशन पीरियड कितना होता है ह्यूमंस में, गेस्टेशन पीरियड ऑफ ह्यूमंस, मतलब ये सारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने में कितना टाइम लगता है, तो ये अप्रोक्सीमेट 9 महीने 10 दिन यानी 280 डेज के समथिंग कंसिडर किए जाते हैं, या फिर तुम लोग कहो 9 मंथ्स, क्लियर, समझ लो, वो 31-32 मिला के 9 ही हो जाते हैं आफ्टर ऑल, 9 महीने कुछ दिन, ठीक है, 280 दिन के समथिंग कंसिडर किया जाता है ह्यूमंस का गेस्टेशन पीरियड, और इस पीरियड में पूरी की पूरी डेवलपमेंट होती है, समझ गए। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जस्ट नॉर्मल इंट्रोडक्शन था, नेक्स्ट लेक्चर से अपन डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।